गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ आमला एकादशी की कथा। तो आमला एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। तो चलिए मैं कथा श्रवण करवाती हूँ। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला फागुन शुक्ल मास की आमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। एक वैदिक नामक नगर था, उसमें ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी दुराचारी नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्ष से उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप नवेद पंचरत्न छत्र सब धात्री का पूजन करने लगे। वह सब धागी को इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक वहेलिया आया और महापापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार वहेलिया ने उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया, भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरत रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्ग्नी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक सत्यवादी कर्म वीर विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अथा अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदरी थी तथा सुंदर नेत्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उसने सब डाकुओं का काल के गाल में पहुँचा दिया। जब राजा जगा, तब इन डाकुओं को मरा देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमला एकादशी का व्रत करते हैं, वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो आमला एकादशी की जय हो। तो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष
आंवला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई है। तो कृपया करके आप इस कथा को, अगर आप लोगों को पसंद आई हो कथा, तो एक दूसरे में शेयर कीजिए और इसका जितना प्रचार करेंगे उतना नारायण भगवान आपके पे कृपा बनाए रखेंगे। तो बोलो आंवला एकादशी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों अब मैं अपनी कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।